पृथ्वीराज चौहान के बारे में वो 20 बातें जो कांग्रेस ने आपसे छुपाई हुई है। नंबर एक, राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1169 में अजमेर में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज का जन्म 1163 में गुजरात में हुआ था और उनके पिता का नाम राज सोमेश्वर चौहान था और माता का नाम कर्पूर देवी था। नंबर दो, पृथ्वीराज बचपन से ही होशियार और बलवान थे। उस वक्त चौहान वंश में 6 भाषाएं बोली जाती थी, जिसमें प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पैशाची, शौर सैनी और अपभ्रंश थी। आपको कर हैरानी होगी कि पृथ्वीराज को इन 6 की 6 भाषाओं में महारत हासिल थी। नंबर तीन, पृथ्वीराज सिर्फ भाषा के स्तर पर ही विद्वान नहीं थे, बल्कि उन्हें कई विषयों में उन्हें काफी गहराई तक ज्ञान था। इन 6 भाषाओं के अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में भी पारंगत थे। यही नहीं, वो इन सबके साथ साथ म्यूजिक और पेंटिंग के भी उस्ताद थे। नंबर चार, कहा जाता है कि पृथ्वीराज वो आखिरी हिंदू राजा थे जिन्हें शब्द भेदी बाण का ज्ञान था। चंद बरदाई की कविता पृथ्वीराज रासो में ये क्लेम किया गया है कि वो बिना किसी को देखे सिर्फ उसकी आहट सुनकर ही सटीक निशाना लगा देते थे। ये किताब तो ये भी कहती है कि मोहम्मद गौरी को भी उन्होंने शब्द भेदी बाण की मदद से मारा था। नंबर पाँच, आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वीराज सिर्फ 13 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। असल में पृथ्वीराज जब 13 साल के हुए तब उनके पिता स्वर्गवासी हो गए और इस तरह उनके सामने छोटी सी उम्र में अजमेर के सिंहासन की जिम्मेदारी आ गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी। नंबर छह, जब पृथ्वी अजमेर के राजा बने तो उनके ही वफादारों को उन्हें लेकर शक था कि शायद वो अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएंगे और छोटी सी उम्र में ही गद्दी देकर कहीं उन्होंने गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज ने सबको गलत साबित करते हुए 13 साल की उम्र में गुजरात के शासक भीमदेव को हरा दिया था। नंबर सात, पृथ्वीराज के बहादुरी के किस्सों में शेर वाला किस्सा सबसे फेमस है, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने बिना किसी हथियार की मदद से एक शेर को मार गिराया था। जिस दिन पृथ्वीराज के दादा को उनके शेर मारने का किस्सा पता चला, उस दिन वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी वक्त उनकी इस बहादुरी को देखते हुए, जो उनके दादाजी दिल्ली के शासक थे, उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया था। नंबर आठ, पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ 15 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी संभाली और राजा बनने के बाद उन्होंने दिल्ली में एक किला बनवाया, जिसे एक किला राय पिथोरा नाम दिया गया था। नंबर नौ, पृथ्वीराज की पहचान उनकी विशाल सेना के लिए भी होती है। इतिहास को माने तो उनकी सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे, जिसमें घुड़सवारों की संख्या भी कई हजारों में थी। नंबर दस, वैसे तो पृथ्वीराज की कहानी में एक ही रानी का जिक्र है, लेकिन पृथ्वीराज रासो की माने तो जब पृथ्वीराज 11 साल के थे तब उनकी पहली बार शादी हुई थी, जिसके बाद हर साल उनकी शादी होती रही और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वो 22 साल के नहीं हो गए। नंबर 11, जब पृथ्वीराज 26 साल के हुए तब उनकी शादी संयोगिता से हुई थी। संयोगिता जयचंद की बेटी थी और जयचंद वही था जिसे इतिहास में मोहम्मद गोरी का साथ देने के लिए गद्दार नाम से जाना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पृथ्वीराज रासो के अलावा कहीं भी जयचंद की गद्दारी का जिक्र नहीं देखने को मिलता। नंबर 12, इतनी सारी शादियां होने के बावजूद भी पृथ्वीराज रासो में उनकी सिर्फ 5 पत्नियों का ही जिक्र है, जिसमें जम्मावती, इच्छनी, यादवी, शशिव्रता, हंसावती और संयोगिता का नाम शामिल है। नंबर 13, जब पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य काफी तेजी से फैल रहा था, एक मुस्लिम शासक यानी कि मोहम्मद गौरी की नजर दिल्ली पर पड़ी और उसने दिल्ली पर 17 बार हमला किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। नंबर 14, इस हमले को लेकर भी अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग संख्या लिखी हुई है। जैसे पृथ्वीराज रासो के हिसाब से पृथ्वीराज ने गौरी को 3 बार हराया, हमीर महाकाव्य के माने तो पृथ्वीराज ने 7 बार गौरी को हराया, तो वहीं प्रबंधक कोश के हिसाब से पृथ्वीराज ने 20 बार गौरी को हराया और सुरजन चरित्र महाकाव्य में लिखा है कि पृथ्वीराज ने 21 बार गौरी को धूल चटाई। लेकिन सबसे फेमस और जाना माना फैक्ट ये है कि पृथ्वीराज ने 17 बार गौरी को हराया और 18वीं बार में पृथ्वीराज पराजित हुए। नंबर 15, युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज और उनके दोस्त को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया और सजा के तौर पर उनकी आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। नंबर 16, इतना कुछ होने के बाद भी पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी और गौरी को हराने की तकनीक सोचने लगे और ये मौका उनके हाथ तब लगा जब महमूद गौरी ने पृथ्वीराज से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। नंबर 17, पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए चंद्रवरदाई ने ये बात जानबूझकर गौरी तक पहुंचाई, जिसके बाद गौरी में पृथ्वीराज की कला का प्रदर्शन देखने के लिए गौरी ने भी मंजूरी दे दी। नंबर 18, अगले दिन जहां पृथ्वीराज जहां शब्द भेदी बाण चलाने वाले थे वहां मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। गौरी को मारने की प्लानिंग पृथ्वीराज ने चंद्रवरदाई के साथ मिलकर पहले ही बना ली थी। नंबर 19, जैसे ही पृथ्वीराज ने अपने हाथ में तीर धनुष लिए, चंद्रवरदाई ने एक कविता कही, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। नंबर 20, ये कविता सुनते ही जैसे ही गौरी ने वाह बोला, उसकी आवाज सुनते ही पृथ्वीराज ने अपना शब्द भेदी बाण उसकी तरफ चला दिया और जो सीधा गौरी के गले में जा लगा और वो वहीं मारा गया। कहा जाता है कि गौरी के मरते ही पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे के पेट में खंजर घोप कर एक दूसरे की जान ले ली। इस तरह पृथ्वीराज ने अपना बदला पूरा किया और मोहम्मद का वध किया। और जैसे ही उधर संयोगिता ने पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनी, उसने भी अपनी जान दे दी। ऐसे आपको बता दें कि पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी बड़ी दिलचस्प
दिलचस्प है। संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम के बारे में कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से पहुंचे, वो मन ही मन पृथ्वीराज से प्यार करने लगी और छुप छुप कर उनसे चिट्ठियों के जरिए बात करने लगी। संयोगिता के पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने का निश्चय किया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई, लेकिन उनकी बेटी ने भी सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज की मूर्ति पर हार चढ़ाया। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के वेश में खड़े थे और उन्होंने धीरे से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठाकर अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ चल पड़े और अंत में शादी कर ली।